अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वतन की आवाज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इजहार। आइए पहले देखते हैं आज की अहम खबर। रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटी सब्सिडी लोन हासिल करना यानी शेरनी का दूध लाने के बराबर हो गया है। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की सब्सिडी स्कीम से लोन हासिल करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसी को हासिल करने के लिए कई पापड़ बेलना पड़ता है। सबसे पहले लोन हासिल करने के लिए राशन कार्ड की ज़रूरत पर जोर दिया गया है और लोन हासिल करने के ख्वाहिशमंद को इनकम सर्टिफिकेट के लिए राशन कार्ड, जैसे फूड सिक्योरिटी कार्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आधार कार्ड के साथ मी सेवा के दलाल या फिर ब्रोकर से मिलकर कार्रवाई करनी पड़ती है और 500 से 1000 रुपये खर्च होते हैं। फिर इनकम सर्टिफिकेट के बाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए मी सेवा पर 150 से 250 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। फिर ऑनलाइन दाखिल की हुई दरख्वास्त की हार्ड कॉपी को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर जाकर लंबी कतार में ठहर कर दाखिल करना है। माइनॉरिटी फाइनेंस सब्सिडी लोन के लिए हुकूमत की जानिब से 80,000 और 20,000 रुपये बैंक लोन की ज़रूरत है और बैंक वाले लोन देने से कासिर है। और ये भी माइनॉरिटी फाइनेंस ने सहूलत दी है कि दरख्वास्त गुजार 20,000 रुपये की डीडी बनाकर दाखिल कर सकते हैं, यानी कर्ज हासिल करने के लिए सूद पर 20,000 रुपये हासिल करना पड़ेगा। हुकूमत अगर कर्ज देना चाहती है तो इसमें जो इनकम सर्टिफिकेट का लुजूम लगाया गया है इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब फूड सिक्योरिटी कार्ड दिया जाता है तब अच्छे से इंक्वायरी करके ही दिया जाता है। इसी से साफ जाहिर होता है कि हुकूमत लोन के प्रोसीजर को इतना मुश्किल करना चाहती है कि लोग लोन हासिल करने में अपनी सारी ताकत झोंक दे। इस सिलसिले में तेलंगाना न्यूज़ टुडे आपको तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहा है। आइए देखते हैं हमारे खसूसी नुमाइंदे शेख अजीम उद्दीन की ये खसूसी रिपोर्ट। नाम बोलिए। जी 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 ऑनलाइन कर दिया आप? हाँ, ऑनलाइन कर दिया। इनकम सर्टिफिकेट लगाए, क्या क्या लगाए बोलिए। आधार कार्ड लगा, पैन कार्ड लगा, आई डी कार्ड लगा। जी कितना खर्चा हुआ इनकम सर्टिफिकेट के लिए? कितने दिन हुए आप इनकम सर्टिफिकेट में? 2 महीने हुआ। 2 महीने हुआ। कुछ खर्चा हुआ था? 300 रुपये खर्चा हुआ। आने जाने अब ऑनलाइन के लिए 150 रुपये लिए, 450 रुपये खर्चा हो गए। जी अभी आए कैसा आप वहाँ से? वहाँ से यहाँ तक बस से आए? आपके हिसाब से एक एप्लीकेशन कितना खर्चा हो रहे? 400-500 रुपये। बैंक से फिर लेटर मिल जाता आपको लोन के लिए? कोशिश कर रहे हैं आप। जी नहीं मिला तो डीडी बनना है, आप वो बन ले सकते हैं? गारंटी तो अभी आपको नहीं मिली, इंश्योरेंस नहीं हुआ, मिलेगा नहीं मिलेगा अभी आपको इतना वो नहीं है। वो नहीं है, बैंक वाला देता है लेटर, बैंक अपना बैंक का दे दो वाला हो जाता है। नहीं पूछे अभी मैं, अभी दाखिल करने गया तो सुनो। क्या मालूम करने आए? माँ कहीं के लिए आए? कैसा दे रहे क्या नहीं? आपको नहीं मालूम कैसा दे रहे क्या है? ऑनलाइन कराए आप? नहीं कराए। ऑनलाइन भी नहीं कराए? इनकम सर्टिफिकेट? इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं बनाए आप? बना लिया? नहीं बनाए। वो भी नहीं बनाए? आधार कार्ड है? हाँ है, आधार कार्ड। राशन कार्ड है भाई? हाँ राशन। क्या काम के लिए लोन लेने आए आप? पत्थर का काम करता है बच्चा हमारा। आपके बच्चे के लिए आए? हाँ। आप कहाँ से आए? आज ही चाहे आप? हाँ। मालूम हो गया फिर आपको लोन कैसा मिलता? पहले बैंक से अप्रूवल लेने का है ना, वो कैसा करते आप लोग? है ना बैंक वालों से पहले लेटर लेने का है कि भाई हम दे दें लोन बोल के? अच्छा। तो वो कैसा करने गया? वही तो बोल रहे हैं। या फिर आप अगर 1 लाख लोन ले रहे हैं तो 20,000 रुपये आप कम देना है वहाँ पर पहले। 20,000 रुपये कहाँ से कम दिया आप? बोलो कहाँ से आए आप? जिरे से आए। क्या क्या लोन लेने आए आप? फ्रूट के कारोबार को आप ऑनलाइन कर दिए, दरख्वास्त दाखिल करें? ऑनलाइन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए? जोर से ज़रा। इनकम सर्टिफिकेट वो भी लगा दिए? कितने पैसे खर्चा हुए इनकम सर्टिफिकेट के लिए?
ऑनलाइन के साथ इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये ऑनलाइन करने के लिए पूरे मिला के 500 रुपये आप लोगों के खर्चा हुए। कितने फाइल डाले आप लोग यहाँ पर? एक फाइल डाले आप? बोलो कहाँ से आए? बोलिए कई के लिए डाले? टेलरिंग के लिए। कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए आप? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, लाइट के बिल। इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन में मिला आपको? वन डे में मिला। कितने पैसे देना पड़ा? 500 रुपये। ऑनलाइन भी हो गया, इनकम सर्टिफिकेट भी। कहाँ से? कौन से मंडल ऑफिस से? मंडल ऑफिस से निधि सेवा से। अच्छा, मंडल ऑफिस में कुछ देना पड़ा पैसे आपको? जी नहीं, कुछ भी देना नहीं पड़ा। आप बोलो अम्मा कहाँ से आए? जी नहीं, कई के लिए डाले आप? टेलरिंग के लिए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, फिर मिलते हैं वतन की आवाज़ की अगले खबरनामे में।